जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप दोस्तों। अगर आप टेक्नो स्पार्क 5 प्रो में माइक डालना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखना। आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा बड़े आसान तरीके से कौन सा माइक मैंने इसमें डाला है। इसमें 5 पिन का माइक डलता है, मैंने इसमें कोई दूसरा ही माइक डाला है और किस तरीके से डाला, बड़े ईजी तरीके से डाला दोस्तों, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली। तो वीडियो में बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। सीखो ऐसा जो काम आए बिल्कुल फ्री, बिट्टू सर से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं टेक्नो मोबाइल में एक माइक कैसे डाला जाता है। इसमें आवाज़ जा नहीं रही, कस्टमर मेरे पास आया है अभी, तो सीखते हैं इसका माइक डालना। दोस्तों इजी तरीके से बता दूंगा आपको, आप कौन सा माइक आपको डालना चाहिए, कौन सा आप लगा सकते हो इसमें आसानी से डालना। चलिए जल्दी से इसको खोल लेते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी। दोस्तों जैसा कि आपको पता, मैं आपके सामने ही सारी चीज़ करके दिखाता हूँ, लाइव आपको दिखाता हूँ। इसमें वो चीज़ नहीं होती कि कुछ गलत आपको बताया जाए। इसका बैक कवर उतार लीजिए, ये ऐसे ही खुल जाएगा। नाखून से खोलने ज़्यादा अच्छा दोस्तों, नाखून से खोला करो, इजी तरीके से खुल जाता है। और दोस्तों इसमें देखो, ये माइक लगा हुआ, आईसी वाला माइक लगा है। आज मैं इसको चेंज करना बताऊँगा और इसकी जगह हमारे पास अगर सेम माइक नहीं है तो हम इसमें कौन सा माइक लगा देंगे ये आपको बता दूंगा। दोस्तों स्क्रू इसके खोल लेंगे। दोस्तों इसको आप पत्ते को निकाल कर, अच्छा दोस्तों आपको मैं कुछ बात आपसे करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम माइक को सीधा ही चेंज ना करें, हम पहले इसमें वाइट पेट्रोल वगैरह कुछ मार के चेक कर लेते हैं और ऊपर से इसका पत्ता देख लेते हैं ठीक से लगा नहीं लगा। कभी कभी ऐसा होता है माइक ठीक होता है और पत्ता ही ठीक से नहीं लगा होता और हम माइक चेंज कर देते हैं। इसका बैक कवर निकाल लीजिए, निकाल लिया। ये दोस्तों पहले भी रिपेयर हो चुका है, इसमें जो प्रॉब्लम है एक बार इसका चार्जिंग का पत्ता निकाल के हम वाइट पेट्रोल से हम इसके पत्ते को क्लीन करके चेक करेंगे। अगर आवाज़ नहीं आती है तो फिर मैं माइक आपको चेंज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये काम हमें कर लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इस सब बोर्ड का जो पत्ता होता है शॉर्टिंग आ जाती है। वाइट पेट्रोल से आप इसको बिल्कुल क्लीन कर लीजिए दोस्तों। आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ दोस्तों कि वाइट पेट्रोल मारने से है ना, बोर्ड में जो मॉइस्चर होता है ना दोस्तों, वो भी निकल जाता है। अब इस सब बोर्ड के पत्ते को आप लगा लीजिए, उसके बाद इसमें इसको हम चेक करते हैं एक बार, माइक हमारा चला है नहीं चला। माइक चेक करने का ज़रूरी नहीं है, कॉल करके आपको चेक करना है, आप वॉइस रिकॉर्डर से भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा साउंड रिकॉर्डर है, हेलो हेलो हेलो। मुझे नहीं लगता कि इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई है हमारी। दोस्तों प्रॉब्लम इसमें सेम है, अभी तक आवाज़ गई नहीं है। वो जो वेव है वो माइक ख़राब होने की वजह से भी हिलती है, आवाज़ इसमें कोई नहीं आई है। तो अब इसका हम माइक डालना सीख लेते हैं जल्दी से। कोई भी काम हो बस हमें एक विश्वास होना चाहिए कि हम उसे कर लेंगे, ये हो जाएगा ठीक। विश्वास अगर बन जाता है हमारा तो फिर वो ठीक हो भी जाता है दोस्तों। पहले हम किसी शक में डूब जाते हैं कि पता नहीं ये आईसी वाला दूसरा माइक हम लगाएंगे वो चलेगा नहीं चलेगा, नहीं दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, वो आपका रिपेयर हो जाएगा आराम से। दूसरा माइक इसमें हम डालेंगे, ओके रिपोर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको करके दिखाता हूँ आपके सामने, अब ट्वीज़र के अंदर, उसके बाद SMD मशीन आप ऑन कर लीजिए। SMD मशीन की हीट कितनी रखनी है, एयर कितनी रखनी है, आदि आदि दोनों रख लो। ग्राउंड का एक सिरा ग्राउंड का होगा, ये ग्राउंड है ठीक है दोस्तों, और ये आपका एक पॉजिटिव मिलेगा, एक डाटा का मिलेगा। इन पर रीडिंग जब आएगी जब हम पत्ता लगाएंगे ठीक है दोस्तों, बस ग्राउंड में फाइंड करना था।
अब इसमें मैं आपको बता दूं, देखो इजी तरीके से कौन सा आप माइक लगा सकते हो दोस्तों, जो वर्क करेगा और बिंदास वर्क करेगा, टेंशन मत लेना दोस्तों। टू पिन का माइक कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है J7 Prime में जो लगता है ना, सैमसंग J सीरीज़ में ये माइक ज़्यादातर यूज़ होते हैं। गाना है ये मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम थोड़ा साइड में रख लेते हैं। इस माइक को मैं आपको बड़ा करके भी दिखा दूंगा, इसको दिख रहा है दोस्तों आपको? ये इसमें दो पिन है, दो ट्रैक है और एक ग्राउंड का है। जो राउंड सर्कल है, जो इसमें राउंड सर्कल बना हुआ है, ये ग्राउंड का है। बाकी दो जो हैं ये आपके माइक के पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ भी कह लीजिए इनको आप, एनोड कैथोड जो भी, जिस भाषा में आप समझ सकें। हमारा काम, मेन काम आवाज़ लाना है। अब इस पर हम क्या करेंगे दोस्तों, जो टीवी रिपेयर करने वाले जो बड़े पार्ट्स के लिए पेस्ट यूज़ होता है ना, फ्लेक्स पेस्ट जो होता है, ऐसे वाले, ये क्विक फिक्स क्या होता है, ये अपने पास रखा करो दोस्तों, हमारे बड़े काम का आता है ये, चार्जिंग जैक लगाने में और माइक वगैरह लगाने में, सोल्डरिंग करने में बड़ा मतलब बहुत ज़बरदस्त ये रोल अदा करता है। इस पर हल्का सा ये लगा दीजिए, ग्राउंड पर भी हल्का सा लगा दीजिए, हमें इसको रिसोल्व करना थोड़ा सा, इस पर सोल्डर छोड़ना है हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये दोस्तों हमारा लग चुका है, अब इसको आप ऐसे हाथ की मदद से पेस्ट को साफ़ कर लीजिए एकदम। अब देखिए इसमें कैसे आवाज़ आती है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जंपर लगा लीजिए आप, जंपर आप लगा ही लेंगे दोस्तों। माइक के ऊपर आप कुछ रख लीजिए इस तरीके से, जंपर ग्राउंड में भी लग जाएगा, तो फिर हमारा काम पूरा हो जाएगा। तीनों जंपर हमारे लग चुके हैं, अब हम माइक की टेस्टिंग करते हैं दोस्तों। सेट हमने ऑन ही छोड़ा है, अब देखो दोस्तों इसकी जो वेव है ये पूरे तरीके से ज़्यादा मूवमेंट करने लगी है। हेलो 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 हेलो, है ना दोस्तों, माइक हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये मैंने एक पहले वीडियो में भी बताया था कि आप 5 पिन की जगह 2 पिन का माइक भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक मिनट आपको आवाज़ सुनाता हूं दोस्तों, 4218 इसकी रिकॉर्डिंग का नंबर था, पहले मैं मुझे उसके लिए रिंगर लगाना पड़ेगा दोस्तों। ये वाले, हेलो हेलो हेलो, एक मिनट में दोस्तों आपको एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। हेलो हेलो हेलो, 1 2 3, हेलो 1 2 3, हेलो मेरे व्यूवर्स को आवाज़ सुनाओ। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक, इसकी रिकॉर्डिंग का नंबर देख लीजिए दोस्तों, 3216, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। अब आपको मैं सुनाता हूँ इसकी आवाज़, 3216 कहाँ पे है, 3216 3216 3216, ये 3216 है, ठीक है दोस्तों, ये वाली आवाज़ अभी रिकॉर्ड हुई है हमारी। अब हेलो हेलो हेलो, 1 2 3, हेलो 1 2 3, हेलो मेरे व्यूअर्स को आवाज़ सुनाओ। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक, आवाज़ की क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त आई है दोस्तों, ज़बरदस्त आई है, मैंने जैसा सोचा था उससे भी बढ़िया आई है दोस्तों। इससे हमें क्या सीखने को मिला, हम J7 Prime का माइक भी इसमें लगा सकते हैं इजी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है दोस्तों यहाँ पे, है ना, ये वाला माइक आप लगा लेंगे। और ये वायर जंपर से ही लगाना दोस्तों इसका, है 5 पिन का, 5 पिन में 2 पिन अगर आप सोल्ड करेंगे SMD से तो होगी नहीं, वो परेशानी बढ़ जाएगी।
जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।